हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था मेरी एक्ने जर्नी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी व्हाट यू ऑल कैन डू फॉर योर टाइप ऑफ एक्ने। ओके, सो अगर आपके नॉर्मल सिस्टिक एक्ने आ रहे हैं, लाइक पोस्टुल्स भी अगर आपके हैं जिनमें पस होती है, जिनका फेस दिखता है, आप उनके लिए जो छोटे छोटे जो साइज में छोटे छोटे होते हैं, यू कैन यूज क्लिंडमाइसिन क्लिंडेक ए जेल विच लुक्स समथिंग लाइक दिस। आप ये यूज कर सकते हैं। दिस इज क्लियर ट्रांसपेरेंट इन कलर एंड आप इसको रात के टाइम में और दिन के टाइम में दोनों टाइम यूज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यू हैव टू यूज सम माइल्ड क्लेंजर अगर आपके एक्ने प्रोन स्किन है तो। ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आप कोई भी हार्श सोप या फिर कुछ भी यूज करना बंद कर दीजिए। सोप्स आर रियली नॉट गुड फॉर योर स्किन एंड ऑल्सो हार्श फेस वॉशेज आर नॉट गुड फॉर योर स्किन एट ऑल। सो यू हैव टू यूज सम माइल्ड क्लेंजर। आई वुड रियली रिकमेंड यू ऑल दिस सेटाफिल जेंटल क्लेंजर। This is gentle skin cleanser. This is soap free and non irritating. This won't sit in your eyes. Okay? और आपकी आंखों को ये sting भी नहीं करेगा, irritate नहीं करेगा। ये बहुत ही अच्छा face wash है, I mean cleanser है। इसको दो तरीके use करने के। You can use this with water and with dry sheet as well. What you have to do is take it, a gentle amount of it on your hands or palm. You just have to rub and massage it on your skin, face. उसके बाद आपको इसको पानी के साथ wash कर लेना है। उसके बाद अगर आपको ऐसे नहीं use करना, like अगर आप बाहर कहीं हो, मैं आपको पानी के साथ use करना ही prefer करूंगी। अगर आप बाहर कहीं हो जहाँ पे पानी नहीं available, आप नहीं use कर सकते, या फिर कभी कुछ दिन होते हैं जब पानी नहीं आता, तो आप बस हाथ पे इसको लेके मसाज करके किसी ड्राई कपड़े के साथ या साफ कपड़ा या फिर साफ वाइप के साथ इसको वाइप ऑफ कर सकते हैं। ड्राई के साथ कर सकते हो या फिर वेट वाइप जो आती है उनके साथ भी कर सकते हो। ये तो हो गया जेंटल क्लिंजर की बात। ये जो क्लिंडामाइसिन क्लिंडा के जल है, इसको आप दोनों टाइम यूज कर सकते हो। मेक श्योर कि आप जितने भी क्रीम्स जितने भी ट्रीटमेंट्स करोगे, आप सबके साथ सनस्क्रीन जरूर लगाओ। ओके, अब नेक्स्ट बारी आती है। अगर आपके थोड़े से ज्यादा एक्ने, लाइक यहाँ पे भर भर के थोड़े यहाँ पे, लेकिन साइज में छोटे, कईयों को बहुत बड़े बड़े एक्ने आते हैं, वैसे नहीं, पेनफुल एक्ने नहीं होने चाहिए। अगर आपके एक्ने हैं, पेन नहीं करते, ऐसे ही एक्ने आते हैं, नॉर्मल है, तो फिर आप यूज कर सकते हो बेंजल पेरोक्साइड क्रीम, बेंजल पेरोक्साइड जेल, और उसका नाम बेंजैक भी है। मैं आपको गालडर्मा ब्रांड की सजेस्ट करूंगी, विच इज रियली गुड। आई हैव यूज्ड इट, ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो आप वो यूज कर सकते हो। अगर आपके उससे थोड़े से ज्यादा एक्ने, लाइक चिन पे भी है, जॉ लाइन पे कईयों के आते हैं, तो यू कैन यूज। अगर आपको बेंजल पेरोक्साइड 2.5 के साथ फर्क नहीं पड़ रहा, मेक श्योर कि आप उसको थोड़ा सा डोसेज में बढ़ा दो और परसेंटेज में भी बढ़ा दो। अगर आप एक टाइम लगा रहे थे तो दो टाइम लगाइए, अगर आप 2.5 यूज कर रहे थे तो 5% यूज करके आप देख सकते हैं। अगर आपको फर्क पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप फिर नेक्स्ट जो मैं बताऊंगी वो कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बताऊंगी आपको, मेरे पास एक जेल है विच इज सजेस्टेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट। दिस इज ऑल्सो क्लिंडामाई फेस। दिस इज कंसिस्ट ऑफ अडेप्लिन प्लस क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल। दिस इज रियली गुड फॉर योर एक्ने। अगर आपको ऐसे एक्ने हैं जिनका फेस नहीं दिखता है, तो यू विल हैव टू विजिट डॉक्टर ओनली, डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि उन एक्ने पे कुछ भी घर का कुछ भी काम नहीं करता। ओके, अब जिनके बहुत ही सीवियर एक्ने हैं, आपको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, तो यू कैन यूज ट्रेटिनोइन क्रीम। मेक श्योर कि इसके साथ भी आप सनस्क्रीन लगा रहे हो। अपने फेस को अच्छे से रात को वॉश करके आपको ये क्रीम लगानी होती है। आई हैव यूज्ड दिस ट्रेटिनोइन
यू हैव टू स्टार्ट विद 2.5%। आपको फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाना होगा परसेंटेज को। ये कोई शॉर्ट टाइम प्रोसेस नहीं है। आप पहले तो आप खुद भी यूज कर रहे हैं, आप उसको 3 मंथ्स मिनिमम देंगे किसी भी जेल को वर्क करने के लिए। 1-2 दिन में कोई भी जेल या कोई भी क्रीम वर्क नहीं करती है। सेकेंड चीज मैं आपको बताऊंगी, ट्रेटिनोइन के साथ इट्स अ लॉन्ग वे प्रोसेस। आपको बहुत टाइम तक वेट करना होगा। आपकी स्किन का एक तो ये टाइप चेंज करता है, टेक्सचर चेंज करता है, एंड कुछ भी आपके जो भी छोटे मोटे इश्यूज, छोटे छोटे नहीं बहुत बड़े बड़े इश्यूज, क्योंकि दिस इज द मोस्ट पावरफुल ड्रग अवेलेबल देयर इन द मार्केट फॉर एक्ने और एनी स्किन प्रॉब्लम। लाइक ये इनडायरेक्टली आपके स्कारिंग एंड यू नो पिगमेंटेशन सब पे वर्क करता है इनडायरेक्टली, बट दिस इज मेनली फोकस्ड ऑन एक्ने ट्रीटमेंट ओनली। आपको ये यूज करना है। मैंने ली है ट्रेटिनोइन क्रीम USP, दिस इज 0.05%। मैंने भी इसको धीरे धीरे इसकी परसेंटेज को बढ़ाया था। तो आपको इसको कैसे यूज करना है, पहली बार जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको लगानी है वंस इन 10 डेज, 10 दिन में एक बार। नोट डाउन कर लीजिए कि आपने किस डे पे इसको यूज किया था, फिर आपको नेक्स्ट किस डे पे यूज करनी है वो भी। वन एंड हाफ मंथ आपको ऐसे यूज करनी है, फिर आपको यूज करनी है ट्वाइस इन 10 डेज, फिर आपको धीरे धीरे थ्राइस इन 10 डेज, फिर वीकली 2 बार, मतलब ऐसे आपको धीरे धीरे इसका बढ़ाना है। आफ्टर 6 मंथ्स बारी आएगी आपको, आफ्टर 6 और 7 मंथ्स बारी आएगी इसको रोज फेस पे लगाने की। फिर भी आप रोज मत लगाइए, 2 दिन लगा के 2 दिन छोड़ के, फिर 2 दिन लगा के 2 दिन छोड़, ऐसे आप इसको यूज करेंगे ताकि आपकी स्किन जो है वो अपने अंदर ले सके। ये बेसिकली इज अ विटामिन ए, ठीक है, जो कि आपकी स्किन को चाहिए होता है फॉर यू नो टू फाइट एक्ने। आपको इस तरह से इसको धीरे धीरे बढ़ाना है। इसके साथ भी आपको सनस्क्रीन यूज करना मस्ट है, चाहे आप घर पे चाहे बाहर जा रहे हैं, सनस्क्रीन इज अ मस्ट, आपको वो लगाना ही पड़ेगा। इस तरह से आपको ट्रेटिनोइन क्रीम लगानी होती है। उसके बाद आप इसको 6 मंथ्स के बाद आप इसको 0.05% कर सकते हैं। फिर आपको जब रोज रोज लगाने की आदत पड़ जाएगी, फिर ये आपकी स्किन पे वर्क करना स्टार्ट कर देती है। आफ्टर अ ईयर और 1.5 ईयर आपकी स्किन आपको चेंज होती हुई दिखेगी। ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए ये फिर लॉन्ग टर्म टिकता भी है। ये शॉर्ट टाइम प्रोसेस नहीं है, लाइक आज आपने एक्ने ट्रीट कर लिए और फिर कुछ दिनों बाद फिर आ गए, फिर आपने ट्रीट कर लिए, फिर आ गए, फिर ट्रीट कर लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। इसको लगाओगे आप, मतलब 1-1.5 साल के इंतजार के बाद ये अपना वर्क ऐसा करते हैं कि आपकी स्किन पे फिर एक्ने नहीं आएंगे। यू विल गेट एक्ने, वो एक या एक इधर वैसे आता है, लेकिन ऐसे आपकी एक्ने प्रोन स्किन नहीं रहती। यही सब कहना था मुझे एक्ने के बारे में। दिस इज ऑल व्हाट आई हैव यूज्ड। एंड ऑल्सो अगर आपको स्कार्स एंड पिगमेंटेशन है, उसके लिए मैंने विटामिन सी यूज किया है, विटामिन सी सीरम यूज किया है। ऑल्सो आई हैव यूज्ड डी मिलान क्रीम, मैं उसका भी सबकी मैं उसकी फोटो यहाँ पे लगा दूंगी। डी मिलान क्रीम, यू कैन यूज डेपी वाइट क्रीम, उसकी भी मैं पिक्चर यहाँ पे लगा दूंगी। ऑल्सो आई हैव यूज्ड डर्मा रोलर की मैं कभी अलग से वीडियो बना दूंगी अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, या फिर आप लोग मुझे बोलते हो कि आपको जरूरत है स्कार्स वगैरह हटाने के लिए, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। बट फिलहाल आप यही सब यूज करिए, मैं जितना मैंने आपको बताया आपको पक्का से फर्क पड़ेगा, मुझे पड़ा है तो, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो सीवियर एक्ने के स्टेज पे थी, तो मैंने खुद इसको मतलब ट्रीट किया है। मैं ट्रीट कर सकती हूँ, तो यू कैन ऑल्सो ट्रीट योर स्किन, ठीक है। दिस इज ऑल आई हैव टू से, एंड यस, इफ यू एंजॉयड माई वीडियो, इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल इनफ फॉर यू, प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो टिल देन, बाय बाय।